देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। जो अटैक कल जेएनयू में हुआ ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। सबसे पहले क्रांतिकारी इस्तकबाल, फिर से मैं बोलना चाहूंगी जामिया के स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो ब्रूटली अटैक हुए हैं और इसको हर रोज फेस कर रहे हैं। और शायद ही कि 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एबीवीपी के साथ जो आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर करवाए हैं और उसका शिकार हम में से बहुत कई लोग हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगी इसी बात पे कि कल हुआ क्या था। और अगर सबको ये लग रहा था कि कल का भी इंसिडेंट एक आइसोलेशन में है तो नहीं है। पिछले 4-5 दिन से कैंपस के अंदर वायलेंस को कहीं ना कहीं एकदम प्रमोट किया जा रहा था कुछ आरएसएस अफिलिएटेड प्रोफेसर द्वारा और एवीवीपी द्वारा। एक यूनाइटेड मूवमेंट जिस टाइम पे चल रहा है वहां पे बार बार कोशिश की जा रही थी प्रशासन द्वारा कि यहाँ पे मूवमेंट को तोड़ा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए और स्टूडेंट्स की यूनिटी को तोड़ा जाए। सबसे पहले कुछ दिन पहले एवीवीपी ने अपना पोजीशन लिया जब जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से एक कॉल आया डेमोक्रेटिकली हर एक जीबीएम के थ्रू, खंड वाइज मीटिंग के थ्रू कि हम लोग एक बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन के तरफ जाएंगे। एवीवीपी का क्लियर पोजीशन था कि नहीं, हम एक बॉयकॉट के तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन आखिरकार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात क्यों कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको एड्रेस करना इस कॉन्टेक्स्ट में। जेएनयू एसयू बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि एमएचआरटी का रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन को अपहोल्ड जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था और इसी का फायदा जेएनयू वीसी जेएनयू प्रशासन ने उठाया कि ये जो डिवीजन एवीवीपी क्रिएट कर रहा है कैंपस के अंदर उसी के द्वारा यहाँ पे वायलेंस करवाया जाए, गुंडों को भेजा जाए और लोगों पे अटैक करवाया जाए। और ये क्लियरली एक ऑर्गेनाइज अटैक था क्योंकि जब वो लोग मार रहे थे लोगों को, नाम ले लेके मार रहे थे, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे और काफी ऑर्गेनाइज ये अटैक था। परसों के दिन ऑलरेडी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स काफी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर चुके थे। वहां पे उस टाइम पे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेयरर्स पहुंचे थे उस चीज को रोकने के लिए। जब रोकने पहुंचे थे तब जेएनयू एसयू के ऑफिस बेयरर्स पे भी अटैक किया गया था, क्लियरली अटैक किया गया था। उस पे हम लोग ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट लेके आए हैं और मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन सतीश को मेरे सामने ऐसा हालत था कि जो जनरल सेक्रेटरी यूनियन को उनको लिटरली लिंच करने जा रहे थे एवीवीपी के एक्टिविस्ट। और ये हालत हो गई, इतनी इम्प्यूनिटी इनमें आ गई है। जेएनयू टीएफ के नाम पे प्रोफेसर और डीन बन के बैठे एसआईएस में प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्रा लोगों को खुलेआम और मुझे बोल रहे थे देख लेंगे तुमको, देखो कितने फायर करते हैं। तो दिस इज द इम्प्यूनिटी दिस आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर हैव इन दिस कैंपस। और इसके साथ साथ कुछ और प्रोफेसर उस टीएफ के बार बार स्टूडेंट्स को जाके घुसा मारे ओपनली स्कूल एरिया में, एंड दिस इज द रियलिटी इन द ब्रॉड डे लाइट। उसके बाद कल के बारे में हम लोग आते हैं। एज यूजुअल हम लोग अपना स्ट्राइक इम्प्लीमेंट करवा रहे थे और एवीपी द्वारा फिर से वायलेंस कैंपस के अंदर शुरू हो गया। जब हो गया जेएनयू एसयू का पहले से ही कॉल था कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का जो पीस गैदरिंग साबरमती टी पॉइंट में होना था हम लोग उसको सॉलिडरिटी में ज्वाइन करेंगे। और हम लोग जब ज्वाइन किए उसको तब तक कुछ लोग ऑलरेडी कैंपस के अंदर कुछ कुछ एरियाज में जाके वायलेंस अनलिश कर रहे थे और कैंपस में ऐसा एक माहौल बना रहे थे जहां पे बार बार पोलराइजेशन हो और वो लोग उसका फायदा उठाए। लेकिन हम लोग एकदम क्लियर थे और स्टूडेंट्स कम्युनिटी एकदम क्लियर था कि इस कैंपस के अंदर 50 साल में कभी भी वायलेंस का हिस्ट्री हुआ नहीं है। हम अपने टीचर्स को भी सॉलिडरिटी दे रहे थे कि टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे इस मूवमेंट में रॉक सॉलिड होकर हमारे सॉलिडरिटी में खड़े हुए हैं और उन्होंने आगे बढ़ के हमें हर वक्त सिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट को कैसे लड़ा और जीता जाता है। और हम लोग जब ऑफिस बेयरर्स जेएनयू एसयू के तरफ से मैं और साकेत यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे और शाम की वक्त थी कि शाम 6:30-7:30 की बात होगी, यहाँ पे 300-400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे
हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे, कुछ प्रोफेसर से बात कर रहे थे, एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हियर एंड देयर दे वर टॉकिंग अमंग्स ईच अदर, एंड देन वी केम टू नो कि देयर इज अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव विथ स्टिक्स, विकेट, हॉकी स्टिक्स, आयरन रॉड गैदर्ड एट गंगा धाबा. और मैं अगेन ये वर्ड क्यों यूज की, सुबह के टाइम मैंने जब बोला, मैं रेफरेंस करना चाहूंगी कि स्ट्राइक हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दो इंडिविजुअल स्टूडेंट को अटैक किया गया था एवीवीपी के एक्टिविस्ट द्वारा, जो कैंपस के एवीवीपी के एक्टिविस्ट थे और कुछ अननोन फेसेस थे. स्टूडेंट जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, और वो विटनेस है, स्टूडेंट जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, उनको एड ब्लॉक के पास जो स्टैचू है, जो अनवील नहीं हुआ है, उस स्टैचू के पास कुछ लोग खड़े होके एक स्टूडेंट का फोन छीना गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट को गाली गलौज करके वहां से थप्पड़ मार के हटा दिया, और ऐसे व्यवहार किया जा रहा था. उन्होंने इमीडिएटली आके जेएनयूएसयू रिप्रेजेंटेटिव्स को स्कूल एरिया में ये बताया कि जेएनयूएसयू शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप दिस. जब ये बोला गया, हम लोगों ने ऑफिस बेयरर्स ने इमीडिएटली वहां पर डिस्कशन किया, और हमारा डिसीजन हुआ कि हमें इमीडिएटली पुलिस को ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए. एंड वॉट वी एज ऑफिस बेयरर्स डिसाइडेड दैट एटलीस्ट वी शुड इमीडिएटली ड्रॉप अ टेक्स्ट टू दी SHO in the nearest police station, and from my phone that screenshot can be circulated as a proof, because बहुत सारी बातें अभी उठ के आ रही है कि protection ये वो. मैंने अपने फोन से text message और WhatsApp message SHO को किया था, यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर है उनको किया था, जो ACP है उनको किया था, immediately इसको बोलते हुए on behalf of JNUSU कि there is a gathering of students who and unknown some faces of the within the campus at the ad block area who has been beating up students since the morning, and they are having weapons like sticks and other weapons, iron rods. The police should immediately intervene and make sure that no such incidents happen, and they should ensure the safety. Or mera personal communication bhi police ke sath hua tha phone pe uske aadhe ghante ke baad, जब पुलिस ने हमें ये अश्योरेंस दिया था कि नहीं मैडम सब कुछ ठीक है, हमने इन लोगों को हटवा दिया है. ये हमें बोला गया था कि इन लोगों को हमने हटवा दिया है. लेकिन क्लियरली जब 6:30 बजे एक मॉब 60-70 लोगों का आयरन रॉड लेके कॉमन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहरहमी से पीटने लगे, आप देख सकते इस जगह का शायद आप लोगों को एक इमेज मिला होगा कि JNU टीचर्स एसोसिएशन एक पीस प्रोटेस्ट गैदरिंग का यहाँ पे कॉल दिए थे, और टीचर्स की यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थे सब टूटे फूटे पड़े हुए थे. लोग 70 लोग नकाब पहने हुए ब्लैक मास्क में आए, क्लॉथ मास्क में, स्टूडेंट्स दौड़ने भागने लगे अपने जान के लिए, वो आए और बहरहमी से हम लोग जो देख सकते थे पीटने लगे.